हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक और इंटर एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और इसी मॉडल पेपर से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अतः आप क्या करें, इन मॉडल पेपर के प्रत्येक प्रश्न को अच्छा से याद कर जाएं, ध्यान से देख लें और लिख लें, क्योंकि इस वर्ष कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद थे और छात्रों को पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाया। इस कारण से बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर नेट पर जारी कर दिया है और गाइडलाइन बताया है कि इन्हीं मॉडल पेपर से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। अतः इस मॉडल पेपर को आप ध्यान से देख लें और सभी प्रश्न को अच्छा से याद कर जाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं मैट्रिक और इंटर के सभी विषयों के प्रश्नों का उत्तर सही सही आपको बता दूंगा। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। देखिए, यहां इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, यहां दिखाए गए हैं और सभी विकल्प को दुगुना कर दिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 35 यानी 35 का जवाब देना है। देखिए, यहां दिया है 35 का ही आपको जवाब देना है, ऑप्शन डबल कर दिया गया है। यहां पढ़ लें आप, 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किसी 35 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। इसके बाद यहां देखिए 20 लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं, इसमें 10 प्रश्न का जवाब आपको देना है, 6 दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनमें से 3 गो प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, चलते हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 70 प्रश्न है, आपको 35 प्रश्न का जवाब देना है। मैं आपको 70 प्रश्न का उत्तर यहां बता रहा हूं, आप इसको याद कर जाए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहां दिया हुआ है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, ऑप्शन है आयनिक, सहसंयोजक, आणविक या धात्विक। तो आप याद रहे, ग्रेफाइट जो है सहसंयोजी क्रिस्टल है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है, इस कारण से यह सहसंयोजी क्रिस्टल है। अगला क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, यानी पिंड केंद्रित मतलब हो गया बीसीसी। तो याद रहे, बीसीसी जो है बेस सेंटर्ड सेल है, इसमें परमाणु की संख्या 2 होती है। वहीं अगर एफसीसी कहेगा तो इसमें परमाणु की संख्या 4 होगी। एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होती है और बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 होती है। वहीं एससी अर्थात सिंपल सेल होगा तो उसमें परमाणु की संख्या 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 होगी, आप सब याद रखेंगे। तीसरा है, विलयन के अनुसंघ गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंघ गुणधर्म का उदाहरण क्या है, ऑप्शन है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक उन्नयन या ताप। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक उन्नयन विलयन के अनुसंघ गुणधर्म का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है, ऑप्शन है K2SO4, NaCl, यूरिया या ग्लूकोज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4 सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, ऑप्शन है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अम्लगम या हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। यानी याद रहे, जब NaCl का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या होता है, या Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, जिसमें Na जो है या Na यानी सोडियम प्लस है या कैथोड पर मुक्त होता है और Cl माइनस जो है एनोड पर मुक्त होता है। इसको याद रखें कि एनोड पर कौन मिल रहा है, कैथोड पर कौन मिल रहा है। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि एनोड पर कौन मुक्त होता है, तो आपको याद रखना होगा कि एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है और कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा। तो देखिए, यहां पॉजिटिव दिया गया है और यह ऑक्सीडेशन नंबर है, विभव है,
तो इसका जो मानक अवकरण भी होगा वो -0.76 वोल्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यहाँ रिएक्शन दिया गया, आप इस रिएक्शन को देख लें या बता रहे हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया है द्वितीय कोटि की, एक अणु का अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग यहां दिया गया है के ए के पावर टू बी। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो यहां देख लीजिए, यहां ए का पावर टू दिया गया है और बी का पावर वन दिया गया है, अतः तो टोटल क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, अतः अभिक्रिया की कोटि थ्री होगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी है, यह सही होगा, अभिक्रिया की कोटि थ्री होगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है। ऑप्शन है अपोहन, टिंडल प्रभाव, पायस, या वैद्युत कण संचलन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है, ये बताना है। ऑप्शन है अयस्क, खनिज, धातुमल, या गैंग। तो आपको पता होगा कि हमेशा धातु का निष्कर्षण अयस्क से किया जाता है, और तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अयस्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है, ऑप्शन है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, या अल्मोनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि साइनाइड विधि से चांदी प्राप्त होता है, यानी सिल्वर प्राप्त किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, निम्न में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ऑप्शन NH3, H2O, HCl, HF। तो बारे में हाइड्रोजन बंधन पूछ रहा है, तो आप याद रहे कि हाइड्रोजन बंधन हमेशा F, O और N के साथ ही बनता है, यानी F, O और N के साथ बनता है। इसको फॉर्म याद रखिए, इसके साथ ही हाइड्रोजन बंधन बनता है, और इसके अतिरिक्त है तो इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। तो देखिए, इसमें N है, इसमें O है, इसमें F है, अतः इन सबके साथ हाइड्रोजन बंधन बनेगा, लेकिन इसमें F, O, N नहीं है, अतः HCl के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो याद है, एसेट जो है मुक्त अवस्था में है, और जो अणु या परमाणु मुक्त अवस्था में होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या शून्य होता है, अतः एसेट का ऑक्सीकरण संख्या जीरो होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे पावरफुल अम्ल आपको बताना है। ऑप्शन HCl, HF, HBr, या HI। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HI सबसे शक्तिशाली अम्ल है, प्रबल अम्ल इसको बोलते हैं, क्योंकि यह जल में घुलकर आसानी से आयनीकृत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैस का प्रयोग होता है। गोताखोरी में श्वसन हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो याद रहे कि जब गोताखोर समुद्र में तैरने के लिए जाते हैं तो अपने पीठ पर एक सिलेंडर लेके जाते हैं, और उस सिलेंडर में गैस भरा होता है, और उस गैस का मिश्रण होता है हीलियम, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। इन तीनों गैस का मिश्रण होता है हीलियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन और प्लस होता है नाइट्रोजन। इन तीनों गैस का मिश्रण होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में कहां है आपको बताना है। ऑप्शन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या एफ ब्लॉक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक। यानी आप याद रहे, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व है और एफ ब्लॉक में अंतः संक्रमण तत्व है। अगर अंतः संक्रमण तत्व पूछे तो एफ ब्लॉक हो जाएगा, और संक्रमण तत्व है तो डी ब्लॉक होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। यानी प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है, कौन है। ऑप्शन है क्रोमियम, लोहा, मैग्नीशियम, या मैग्नीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी मैग्नीशियम जो है यह प्रथम संक्रमण तत्व के श्रेणी का सदस्य नहीं है। अगला है लेंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। लेंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है, तो यहां दिया गया ऑप्शन जेडर तथा वाई की त्रिज्या समान है, दूसरा जेगर तथा एनबी की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, सी दिया है जेगर तथा एचएफ की त्रिज्या लगभग समान है, और डी दिया जेगर तथा जेडन की ऑक्सीकरण अवस्था समान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेड आर तथा एचएफ की त्रिज्या लगभग समान होती है। अगला, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, आपको बताना इसमें कौन प्रतिचुंबकीय है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेडन टू प्लस प्रतिचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है, जटिल आयन CuNH3O4 पावर 2 प्लस की संरचना वर्तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2 प्लस का प्रसंस्करण क्या होगा। ऑप्शन है sp3, sp3d2, dsp2 या dsp3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, dsp2। अगला क्वेश्चन है, PtC2H4Cl3 पावर माइनस में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, पीटी की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। पीटी का ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए एक समान लेंगे, ये आणविक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, सीएल का -1 होता है, -1 × 3 कर देंगे बराबर -1, तो x − 3 = -1, तो x का वैल्यू क्या होगा +2 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा +2 ऑक्सीकरण संख्या, यानी 21 का आंसर हो जाएगा बी, +2 पीटी का ऑक्सीकरण संख्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है, 3-chloro-butene, 2-chloro-butene, 1-chloro-2-methylpropane या 2-chloro-2-methylpropane, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2-chloro-butene। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी कौन सी विधि है जिसके द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में अंतर किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक विधि, विक्टर मेयर विधि या उपयुक्त में से सभी, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में सभी, क्योंकि सभी के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक रूप में होता है, निश्चेतक मैंने बेहोशी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, एसिटिलीन या मीथेन, तो याद रहे कि क्लोरोफार्म का प्रयोग निश्चेतक बेहोशी के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने से निम्न में से कौन प्राप्त होता है, ऑप्शन है एथिल एसिटेट, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन या एस्टल्डिहाइड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसीटोन प्राप्त होता है, एस्टोन प्राप्त होता है जब कैल्शियम एसिटेट को गर्म किया जाता है तो। ठीक है, एल्कोहल में कौन रहता है, एल्कोहल में कौन रहता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। CHO क्या है, एल्डिहाइड है, और CO कीटोन है, और यह एमिन है, यह एमिन है, याद रहे। ठीक है, OH अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है कौन, एल्डिहाइड और कीटोन में किसके द्वारा विभेद किया जाता है, ऑप्शन है फैलिन विलियन, कास्टिक सोडा, ग्रिग्नाइट और कर्मक या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेलिंग घोल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला, प्राइमरी एमिन का क्रियाशील मूलक कौन सा है, प्राइमरी, तो याद रहे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीन गो एमिन होता है, तो प्राइमरी एमिन में क्या होता है, NH2 होता है, सेकेंडरी में NH होता है और टर्शियरी में सिर्फ N होता है। ठीक है, तो बॉन्ड एक रहेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें डबल होता है। ठीक है, तो प्राइमरी में NH2, सेकेंडरी में NH, टर्शियरी में N होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, प्राइमरी क्या पूछ रहा है, प्राइमरी एमिन, तो प्राइमरी एमिन में कौन हो जाएगा, NH2, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, ए बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तनु एवं अल्प क्षारीय KNO4 के घोल को कहा जाता है, तनु एवं अल्प क्षारीय KNO4 के घोल को कहा जाता है, ऑप्शन है फेंटोन अभिकर्मक,
लुकास अभिकर्मक, वेयर अभिकर्मक या तोलन अभिकर्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर अभिकर्मक कहा जाता है, वेयर अभिकर्मक। ठीक है, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है? ऑप्शन है नाइट्रोबेंजन, एनिलीन, बेंजीन या जिंक फिनॉक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन बनता है। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बेंजीन प्राप्त होता है, C6H6 प्राप्त होता है। ठीक है, अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक पूछ रहा है। तो CHO कार्बोक्सिलिक, नो सर एक मिनट, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, बॉन्ड COOH होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक होता है बॉन्ड COOH। ठीक है, तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COOH। और एक और यहां देख लीजिए, CO क्या है, कीटोन है, OH अल्कोहल है, और CHO LDHD है, CHO LDHD है। ठीक है, अगला एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदाहट होती है, तो निम्नलिखित में वो कौन सा यौगिक है? तो याद रहे फदाहट हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें CO2 गैस बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, और यह तभी संभव है जब NaHCO3 की अभिक्रिया हम एसिटिक अम्ल से कराएं, क्योंकि जब एसिटिक अम्ल से NaHCO3 की अभिक्रिया कराया जाता है तो CO2 बनता है, और CO2 ही क्या करता है, फदाहट लाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा। क्या समझे, मैंने बताया CO2 के कारण फदाहट होती है, और CO2 किसे बनेगा, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 से कराया जाएगा। अगला है ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है, यानी ईस्टर का मूलक क्या है? ठीक है, तो यहां दिया RCOR, RCOOR, RCOOH, RCHO। तो ईस्टर पूछा जा रहा है, तो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RCOOR ईस्टर है। 33 का बी हो जाएगा, एस्टर है, RCOOR एस्टर। ठीक है, अगर वही इथर का होता तो ROR हो जाता, ठीक है, नहीं ROR हो जाएगा इथर का। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यह RCOR यह कीटोन का है, ठीक है, और RCOOL अम्ल है, और ये एल्डिहाइड है, यह क्या है, यह फॉर्मिक अम्ल, ये एल्डिहाइड है, फैटी एसिड इसको बोलते हैं, फैटी एसिड भी इसको कहते हैं, फैटी एसिड वसा अम्ल। तो इसका क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। अगला क्वेश्चन दिया है नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, प्राइमरी अमीन या क्वार्टनरी लवण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है, DNA तथा RNA में इक्वल भस्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिए एडिनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो आप याद कर लें कि DNA और RNA में, सारे ऑप्शन को आप पढ़ लेंगे, DNA और RNA में समान रूप से आप रट जाएंगे, ग्वेनिन, एडिनिन और साइटोसिन होता है, ग्वेनिन, एडिनिन और साइटोसिन होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, यानी मनुष्य के शरीर में क्या नहीं बनता है? ऑप्शन है एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन या हार्मोन। तो याद रहे मनुष्य के शरीर में विटामिन नहीं बनता है, विटामिन हमको बाहर से लेना पड़ता है, और यह पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में किस मौलक में एमाइड बंधन होता है? ऑप्शन दिया नाइलॉन 6-6, टेरिलिन, टेफ्लॉन या वेकेलाइट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन 6-6 में एमाइड बंधन होता है। ठीक है, ऑर्लोन एक बहुलक है, ऑर्लोन एक बहुलक है। ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोएथीन का, एक्रिलो नाइट्राइल का, एथेनोइक अम्ल का या बेंजीन का। तो याद रहे ऑर्लोन जो है एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये सही है। ठीक, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्मक है, कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है बताना है। ऑप्शन है सैक्रिन, एस्पाइरल टेम, सोडियम साइक्लोमेंट या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सब के सब क्या है, कृत्रिम मीठा अभिकर्मक है। यदि आपको किसी भी आंसर पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आप बताऊंगा। ठीक है, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सभी प्रश्नों का सही से उत्तर आप जान सकें, और मैं आपको
जितने भी मॉडल पेपर हैं सबका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्नों का आंसर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी दवा बुखार कम करता है, कौन सी दवा बुखार कम करता है? ऑप्शन है एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक या उपशामक। तो एंटीपायरेटिक दवा जो है वह बुखार कम करता है और एंटीपायरेटिक के अंतर्गत ही पारासीटामोल आता है जो बुखार को कम करने की दवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल कौन है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्र सेल या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह लेड स्टोरेज बैटरी है द्वितीयक सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल इसको बोलते हैं। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? उष्माक्षेपी, पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण या अवकरण। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है आपको ये बताना है। तो आपका आंसर होगा यह पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण की प्रक्रिया एक प्रकार की पृष्ठीय घटना है क्योंकि सतह पर ही संपन्न हो जाता है। अगला, निम्न में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल, सबसे पावरफुल, इस चार ऑप्शन में आपको अम्ल बताना है। तो सबसे शक्तिशाली जो अम्ल है वह Cl3CcOH है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह सबसे शक्तिशाली अम्ल है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है, टर्शियरी एमीन कौन है? तो मैंने आपको पहले बताया है जिसमें एन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा वह टर्शियरी होगा, अगर एक हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी होगा, दो हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी होगा। तो यह सी ऑप्शन में देखिए, इसमें एन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, एन स्वतंत्र है और तो यही टर्शियरी एमीन है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला, आयरन में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है, आयरन में प्यूरिन कौन सा भस्म है? ऑप्शन है ग्वेनिन, थायमिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्वेनिन, क्योंकि आरएनए में ए और जी पाया जाता है, एडेनिन तथा ग्वेनिन पाया जाता है, तो यह ग्वेनिन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा न्यूप्रिन सभी हैं, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा न्यूप्रिन ये सभी क्या हैं? ऑप्शन सह बहुलक, संघनन बहुलक, सम बहुलक या एकलक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सह बहुलक है, ये जो है सह बहुलक है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दर्द निवारण की दवाई कहलाती है, दर्द निवारण दवाई क्या कहलाती है? ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, उपशामक या एंटीपायरेटिक। तो जो दवा दर्द को दूर करता है उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, निम्न में किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है, किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे ऊंच होगा, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे ऊंच होगा ये बताना है। तो याद रहे वायुमंडलीय दाब पर इन सब में सबसे अधिक क्वथनांक आपका होगा 0.1 mBaCl2 का, ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, NaCl, सुक्रोज और ये जो ग्लूकोज है ये सबका कम होता है, ठीक, और BaCl2 का सबसे ज्यादा होता है। ठीक, अगला, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, यानी एनोड और कैथोड पर क्या मिलता है आपको बताना है। ऑप्शन F2Na, F2H2, O2Na, O2 और H2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O2 तथा H2, यानी O2 है रिनाइन है और रिनाइजिन होता है, यह धनोद पर मिलता है और H2 कैथोड पर मिलता है। ठीक, अगला है, जल में H2+Cl2 = 2HCl अभिक्रिया कोटि है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, तो इस अभिक्रिया कोटि क्या होगी, 3, 2, 1 या 0। तो इस अभिक्रिया कोटि 0 होता है, याद रहे इसका कोटि होगा 0, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, याद कर लेंगे। ठीक है, पूछता है परीक्षा में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दें। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गया H2+Cl2 → 2HCl। अगला क्वेश्चन, किस गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? ऑप्शन है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्न में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन है फास्फोरस, मैग्नीज, कार्बन या सिलिकन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे अधिक कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी का मतलब वह ऑक्साइड जो भास्मिक भी है और अम्लीय भी है। तो उभयधर्मी बताना है, Na2O, ऑप्शन दिया Na2O, MgO, SO2 या ZnO। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ZnO उभयधर्मी है, क्योंकि यह क्या करता है, भास्मिक और अम्लीय दोनों ऑक्साइड बनाता है ZnO। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लीविस अम्ल कौन है? सबसे प्रबल लीविस अम्ल कौन है? ऑप्शन है BF3, BCl3, BBr3 या Bi3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Bi3 या सबसे प्रबल लीविस अम्ल है। ठीक है, Bi3। अगला, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है हवा, रेडियम, मोनाजाइट या जल। तो याद रहे, हीलियम का अयस्क मोनाजाइट है और यही हीलियम का मुख्य स्रोत है। अगला, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन है Sb, P या Br। तो याद रहे, उपधातु एंटीमनी है जो Sb है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण कितना है? SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण कितना है? ऑप्शन है Sp, Sp2, Sp3 या Dsp2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Sp2 प्रसंकरण है S का, Sp2 प्रसंकरण है। ठीक है, अगला है, H3PO3 है एक, ऑप्शन दिया एक भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, H3PO3 का अगर हम संरचना बनाते हैं तो ऐसे संरचना होगा, ऊपर हो जाएगा, यहाँ H हो गया, OH और OH। ठीक है, तो यहाँ देखिए OH क्या है, भस्म दुगो है, अतः द्विभास्मिक होगा, ये क्या हो जाएगा, द्विभास्मिक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह द्विभास्मिक है। ठीक, अगला, मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या है? Ag+, Ag2+, Ag2+, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ag2+ मर्क्यूरस आयन का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1, +3, +1 और 3 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे, सोना का ऑक्सीकरण संख्या दोनों होता है +1 और +3, इन दोनों, ये वेरिएशन इसमें दिखाता है +1 और +3 दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है? K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है? तो यहाँ दिया है Dsp3, Dsp2, D2Sp3 या Sp3D2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D2Sp3 इसका प्रसंकरण है। तो याद रहे, यह जो है ना K4FeCN6 यह स्ट्रांग है, जब स्ट्रांग होगा देखिए, और यहाँ लास्ट में 6 दिया गया ना, तो ऐसे यौगिक का प्रसंकरण दो प्रकार का होता है, D2Sp3 और Sp3D2। ठीक है, अगर स्ट्रांग रहेगा तो यह प्रसंकरण होगा, और वीक होगा तो यह हो जाएगा प्रसंकरण। ठीक है, यानी फिर से याद कीजिए, स्ट्रांग का D2Sp3 होता है और वीक का Sp3D2 होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्यान से देख लेंगे, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन है एथिल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल एमिन या एथिल नाइट्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। अगला है, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? ऑप्शन ए KBr तथा SH4 Br2 या NH4Br। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Br2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके देता है, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन अभिक्रिया करके क्या देता है?
ऑप्शन है मेथिल एथिल इथर, डाइमेथिल इथर या डाइएथिल इथर या प्रोपेन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइएथिल इथर देता है। ठीक है, C4H10O कितने समवायी इथर प्रदर्शित करता है, C4H10O कितने समवायी इथर प्रदर्शित करता है, ऑप्शन 3, 2, 4 या 5। तो आप एक बात याद रखें, जो C4H10O जो है यह क्या करता है, तीन ईथर और चार अल्कोहल समवायी देता है। तो यहां ईथर पूछ रहा है तो ईथर क्या होगा, तीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर से याद करो, तीन ईथर यह जो अनुसूत्र है, तीन ईथर ठीक है और चार अल्कोहल बनाता है। अगर यहां ईथर पूछे तो तीन करेंगे और अल्कोहल पूछे तो चार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है, निम्नलिखित यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है, ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल या टॉलुइन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, फिनॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है, किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है, ऑप्शन है HCHO, CH3CHO या CH3CH2CHO या CH3COCH3। तो याद रहे, फॉर्मलिन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मल्डिहाइड का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग होता है फॉर्मलिन में। ठीक है, अगला है, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलरेंस अभिकारक को अवकृत करता है, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलरेंस अभिकारक को अवकृत करता है कौन सा है, ऑप्शन HCOOH या CH3COOH या CH3CH2COOH या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCOOH। यह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को टॉलरेंस अभिकारक को अवकृत करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरल का सूत्र क्या होता है, क्लोरल का सूत्र क्या होता है। तो याद रहे, क्लोरल का सूत्र जो है वो होता है CCl3CHO, CCl3CHO आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए, यहां जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरनेट पर जारी किए गए थे मॉडल सेट वन में केमिस्ट्री के, वे सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।